everyone, welcome back to my new YouTube video. You are watching Kashish Vlog. तो guys, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ. नोना तो आज सुबह सबसे पहले घर में नहा लेती है और कोई से पकड़ नहीं रहा था, इसलिए मेरे पास आ गई मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग करवाने. और गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे. तो यार, जाएंगे मार्केट में, सबके रिएक्शन देखेंगे किसका कैसा रिएक्शन रहता है. बट नोनो नहीं जाएगी, नोनो नहीं जाएगी क्योंकि प्रेरणा आ गई है, तो प्रेरणा नोनो को रखेगी, वरना पहले हम नोना को लेके जा रहे थे. तो यार, आज का व्लॉग बहुत मस्त बनने वाला है, क्योंकि यार मैंने, वैसे मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि हम एक 50 का नोट लेंगे और उसकी फोटोकॉपी कराएंगे 10, और फिर देखते हैं मार्केट में जाके कोई उसे समझ पाता है या नहीं समझ पाता. वैसे तो काफ़ी मंदबुद्धि लोग हैं आजकल, समझ नहीं पाते, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम ये चैलेंज ट्राई करेंगे. ओके बेबी, आपके लिए बुबू ले आएंगे. आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँ और फिर आप लोगों से मिलूंगी. और गाइज, मेरे ब्लॉग पे काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो फिल्टर के साथ क्यों करती हूँ. तो गाइज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ. मतलब ये नॉर्मल कैमरा में मतलब मैं सुंदर नहीं आ पाती, इसमें सुंदर आ पाती हूँ तो मैं इसमें बना लेती हूँ. बाकी ब्लॉग तो कैमरा में ही बनाती हूँ, बट ये वाला मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं फिल्टर में शूट कर लेती हूँ. है ना बेबी? ये साइबर कैफे पे, यहाँ पे हमने 50 रुपीज़ का नोट दिया है और हम फिर इस 50 रुपीज़ के नोट की 10 कॉपीज़ कराने वाले हैं. फिर हम जाएंगे मार्केट, कैंप साइट जाएंगे, फिर देखेंगे. पुनीत और मैं गए थे साइबर कैफे, बट यहाँ पे दिखा पुनीत गाइज, हमने यहाँ पे कॉपी करवाई है नोट की, तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा है. भैया ने ब्लैक एंड वाइट निकाल दी, बट अगर हम कलर पेज भी निकलवाएंगे तो भी वो इसी टाइप का रहेगा कुछ. तो यार, ये थोड़ा फ्लॉप हो गया हमारा आइडिया, तो अब मैं इसकी जगह नकली नोट लेने वाली हूँ. जो वो नकली नोट नहीं आ जाते वो ले ले. 500 के ले ले. हम लोग जा रहे थे कैंप की मार्केट में, बट फिर हम लोग बाहर निकले तो हमें पता लगा कि आज मिल गया, तो हमने ब्रेड में लगा के खा लिया. सो फनी. सो गाइज, हम लोग जा रहे थे बट फिर याद आया कि आज तो हमारे इधर भी फ्राइडे मार्केट लगती है और काफी अच्छी खासी बड़ी मार्केट लगती है, तो हमने सोचा हम कैंप नहीं जाएंगे, हम यहीं की मार्केट में स्टार्ट करेंगे. तो मम्मी मैं क्या अब यहीं से ले लेंगे जो लेना है. क्या मैं सुनी नहीं, मैं सुनी नहीं पा रही. ये लोग बोल देते हैं, मैं बाद में बोलती हूँ. क्या गाइस, तो मैं पहले अपनी दुकान पे जा रही हूँ क्लिप लेने. यार मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसे कभी मार्केट में व्लॉगिंग करी नहीं है, बट ये इतने सारे लोग मेरे साथ आए हैं. आपके साथ की नहीं थी अब तक? की थी, बट अब ये थोड़ा अजीब टाइप का, तो मैं जा रही हूँ, देखते हैं वैसे ट्राई करेंगे क्या एक्सपीरियंस है. अरे यार, मेरे ना बालों को शूट मंगलवार आया था, मंगलवार वैरायटी ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी कम होती है. ले भैया बड़ी, ले भैया बड़ी. जैसा मर्जी नोट तो भैया, इससे आपने क्या सीखा कि पैसे देख के लेने चाहिए? भैया छुटका रहे हैं, बाहर निकलो, हाथ दिखाओ, पैसे देख के लेने चाहिए. अपने फ्राइडे ट्यूसडे मार्केट में जो भी सामान लेना हो तो भैया के पास काफी अच्छी कलेक्शन होती है, तो मैं यहीं से लेती हूँ. चलो बस ले लो.
अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। गोलगप्पे खाना कर दिया स्टार्ट, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलो यार कैसे लोग हैं, लोगों को हमें लग रहा है कि हम प्रैंक कर रहे हैं, लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। मतलब ये लोग यहाँ पे कमाने के लिए खड़े हैं सब लोग, तो इनको मतलब ऐसे तो कोई भी पागल बना के चला जाएगा, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम्हारे जैसे लोग कम आते हैं ना, मतलब चलो आप ऐसी पैसे अब लग रहा है कि ये प्रैंक कर रहे हैं या तुम असली वाले को नहीं ले रहे। नहीं नहीं नकली है, नकली है वो जो था वो लोग देख। आओ चले अभी अंकल के पास, अंकल को भी ले लो। नहीं नहीं गोलगप्पे नहीं खाने, जो मैंने आपको पैसे दिए वो उठाओ एक बार। जन्ने दे रहे थे मैं तो अपनी वीडियो शूट करी थी और अब मैं 300 लोगों के साथ के लिए सब ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं किसी का, कोई भी पैसे नहीं कैसे भी रख रहा है। मार्केट में सबके पास पैसा है इसका मतलब। हां गाइस मार्केट में सबके पास पैसा है, पैसा कोई नहीं, सबके पास पैसा नहीं। मतलब नकली नोट ले लेते हो अंकल ये भी जन्ने दे। मैंने वहां पे भी लिया, इसका मतलब हमको ये सीख मिल रहा है, हमको 500 का नोट लाना चाहिए था। वो चला गया, लेकिन ऐसा कर दिया इन्होंने, मुझे लग रहा है कि सीरियसली मेरे साथ हो रहा है, कोई भी माइंड ही नहीं कर रहा यार, सब लोग लेके रखे मुझे रिटर्न पैसे भी उनके पास आएंगे। अब बनेगी नकली नोटों से, अब बनेगी नकली नोटों से सेहत। जूस के पियो पियो जूस पियो। ये चेस हाँ हाँ इट्स यम्मी चेस। ये चेस पी लेते हैं, अब उसकी बात करें। सब होता है हमारे पास, अब जाएगा 50 का और जिस हिसाब से मार्केट में चल रहा है तो फिर बहुत ही है। और 10 के 10 नोट आए कितने भैया, 40 का क्या करो हम अपने बाजार वालों का। गाइस मैं सीरियसली बताऊँ, ये सारे बाजार वाले बहुत रईस भाई, नहीं बाजार वाले रईस नहीं है हमारे, जो इंडियन है इतने सीधे होते हैं ना, मतलब हम लोग मतलब बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। बच्चे नोट देख लेना, अरे नोट तो देखो जो हमने दिया है यार। क्या है ये भैया, यार हमने देखा 50 का ऐसा दिया। तो यार नोट देख के लिया करो ना, सारे सारे 50 रुपए आज ऐसे मिल रहे हैं मेरे को। नोट ही फेंक दिया। अरे निकालो, पता नहीं यार क्या हो गया, मतलब अभी तक मैंने सोचा था कि मैं 5-6 का जाऊंगी अलग अलग, और वैसे वो जो दो थे वो हमें जानते थे इसलिए भी उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा नहीं, बट हमें गन्ने की जूस पे ये हमें जानते नहीं थे यार, फिर भी यार इन्होंने ऐसे किया, मतलब यार पता नहीं यार ये क्यों ऐसे करे, मुझे लग रहा है क्या लग रहा है। पता ये पता चलता है कि हमारे इंडिया में हर तरह के लोग हैं, सीधे लोग भी और तेज भी हैं। भैया ने जब देखा ना तो भैया के नकली है यार दूसरा तो। उसने नोट ही फेंक दिया वाटरमेलन लेने। हाँ ये सही, खा के भी बोल दूंगी तो मानना पड़ेगा। हाँ सही है, 50 का हम हमेशा भरोसा करके ले जाते हैं। और ये लेगा नहीं पता, अरे तो दो कर लो ना। हाँ कर लो, कर ये वाला नहीं, ये वाला ये लो, ये कुछ बजा दिया, बजा के देख लिया पहले क्या ये, वो तो सारे दिन था ये देखा नहीं। अपन सुना घर चल के खा लो, चार और 3:30 हो रहा है, 7:30 पैसे कितने हुए, 50 20 40 40 रुपए लो अंकल, 150 रुपए हो गए।
50 रुपीस अब देखते ही हाँ बहुत चलता नहीं चलता मिल जाएंगे। अरे अंकल को याद है कैसे मिल जाएंगे, कलर अलग अलग नहीं है सबके। आपसे हमने चार प्रैंक कर लिए, चार में से खाली तीन चार दुकानें बताई हमने, आप पहचान पाए हो, सब कुछ खाया पिया, नकली नोट दे रखे अंकल, हमें वापस पैसे भी दे दिए, नोट ही नहीं देखा, आप पहले हो जिसने पहचान लिया, लेकिन हमने दे दिया वापस, बच्चे वीडियो बना रहे हैं। लाता हूं भाई ड्रेसर बनाओ अंकल का भैया, मैंने क्या बोला था दूर से, मैंने कहा कोई मैंने कहा कोई पकड़े ना पकड़े क्या जान लेंगे, मैंने कहा पुराना दुकानदार को आदमी पता लग गया 50 और भी देख ही नहीं रहा, सबने यही रख लिया और ये उठा उठा के चने खाए जा रहा भाई साहब, 50 रुपए चने खा जाऊंगा इसके, नींबू ज्यादा प्याज भी ज्यादा, चने तो वो कहेगा प्याज नींबू हाथ में पकड़ा, चने तो तुम खा ही चुके हो, बना रहे क्या बीबी भाई, दोनों ने ले ली नमकीन, टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, कितने की बनवाई है, होशियार लोग मिल रहे हैं हमें, पहले सारे ऐसे ही मिले थे, अब थोड़े ठीक ठीक लोग मिल रहे हैं जो समझ जाते हैं नकली और असली नोट का फर्क है। गाइस नेक्स्ट हमारा है, हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने, यहाँ से मेरी फेवरेट आइसक्रीम, भाई मेरे को तो चौकोबार मिल गई है, सब अपने दिखाओ, मैंने तो खा के दिखा दी, मेरे 30 रुपए हो, अच्छा मेरे को लगा ये 130 रुपए की है, कितने 130 हो गए, भाई
नकली नोट थे, मुझे भी पता था, एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं, उसमें मैंने आपको दे दिए, बाकी तीन लोगों को दिया कि पहचान ही नहीं पाए, उल्टा पैसे और दे दिए मेरे को, आप समझदार नहीं है, हमको पहचान जाओगे, आप समझदार हो ना भैया, इसलिए बाजार के अंदर बाकी तीन बुद्धू मिले हैं, देखते हैं नेक्स्ट और कुछ गाइस। और ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम मैंने फिर से ले ली भाई, व्लॉग में कुछ नहीं बनाने, लड़की ने 300 रुपए उठवा दिए मेरे ऐसे करते करते, क्या मिल गया, 10 रुपए में दूध मिल गया, आइसक्रीम मिल गई, कितने की है, 50 रुपए, इतनी महंगी महंगी या सस्ती का चीज आती है, ज्यादा बोल रहे हैं भैया, भैया बोले, भैया क्या हुआ, क्या हुआ, ये लोड दूसरा लो, लो दूसरा दो, नकली नोट है, नकली है, सब लंगा नकली है, सब हरी है भाई, आइसक्रीम असली है, और आइसक्रीम असली है, आइसक्रीम असली है, आप चीज में नाम लिखा हुआ देख लो, नोट सब लंगा नकली है, कैसे पता, कैसे पता, इसमें डाल दूंगा तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे, इसमें डाल दूंगा तो मैं ले जाऊँ अकाउंट में चले जाएंगे, तो इस नोट डल जा रहा है इसमें, निकालते कैसे हो भैया, भैया इसमें पैसे चले जाते, निकालते कैसे हो, इससे निकल जाते कहाँ से, इसमें से क्या तगड़ा जवाब दिया है, अच्छे आपसे निकलते हो कैसे अब इतने इधर ही आ जा गाइस, यार मतलब आंटी ने भी ऐसे ही पैसे दे, मम्मी को थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो ऐसे कमा रहा है, अगर यार वैसे देखो मैं तो यहाँ पे एक व्लॉग बना रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा करा, बट आप लोगों ने देखा होगा मैंने सबको बाद में बताया, जो एक बात बोलूँ कुछ ऐसी सीख मत ले लेना इस व्लॉग से कि जाके बाजार में यही काम करो चला के आ जाओ, मतलब बहुत गरीब आदमी भी है और वो भी बेचारे मतलब ऐसे करके गाइस, मतलब ना वैसे ना मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, वैसे मैं कई बार शॉप पे जाती हूँ, जो जानकार है तो वो लोग बताते हैं, काफी लोग ऐसे करके जाते हैं, सामान ले लेते हैं तो फटा हुआ नोट दे जाते हैं या नकली नोट दे देते हैं और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि हमने जिस मंशा से ब्लॉग बनाने की सोची थी ना वो मंशा से ना होके बल्कि हमें तो और बहुत हार्ड फील हो रहा है, और मतलब अपने लोगों के लिए नहीं, मतलब ऐसे ऐसे गाइस वो लोग बैठे हैं, मजबूरी है उनकी, वो कमाने के लिए बैठे हैं, और ऊपर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नकली पैसे दे जाते हैं या फिर फटे हुए नोट दे जाते हैं या फिर जितने का अमाउंट होता है उतना पूरा पे नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं है आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, तो ये अच्छी बात ये बाकी चलते हैं, अब आंटी को बताते हैं और आंटी को समझाते हैं, असली पैसे असली पैसे निकालना, रुक दे वहीं चलते, पुट्टे पकड़ो मेरे पास आंटी, फोन पे है 50 का नोट तो नहीं है एक्चुअली, आई डोंट हैव कैश, ये आंटी की है, ये तो पहले आपके 20 रुपए लो और जो मैंने आपको पैसे दिए वो उठाओ आप, मैं तो आंटी एक वीडियो बना रही थी उसके लिए मैं देख रही थी दुकान वाले कितने अलर्ट रहते हैं, तो मैंने आपको नकली नोट दिया आपने देखा भी नहीं, आपने रख लिया, बताओ ये वाला नोट नहीं था, ये नहीं था, दूसरा था, निकालो उसमें अलग ही तक दिखाते हैं नकली नोट, आपने फिर भी नहीं देखा आंटी, ये नहीं था, ये देखो ऐसे तो आंटी कोई भी देखे चला जाएगा, अगर चला जाता है मेरे तो कमाने के लिए बैठे हो ना, ध्यान से देखा करो, बच्चे को दिखाओ तब लो ध्यान से, ऐसे तो कोई भी देखे चला जाएगा फिर कमाओगे कैसे, बहुत लोग ऐसे करते हैं आंटी, पर सामने वाला बंदा अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा ना,
आंटी कह रही है, आंटी ऊपर वाले के भरोसे बैठी है, जो अपना गलत कर रहा है वो सारा ऊपर भुगतेगा। मतलब आंटी मैं तो वीडियो बना रही थी, मैंने देखा कि सब लोगों ने ऐसे पैसे रख लिए और मुझे वापस भी कर दिया, कोई देख नहीं रहा, सबका ध्यान नहीं है। आजकल लॉकडाउन से किसी को फर्क नहीं पड़ा, सबके पास बहुत काम है, पैसे देखने की फुर्सत नहीं है। गाइस अब हम भुट्टा एंजॉय कर लेते हैं। कितना? 100 रुपए जग नकली दे गया है आप, ये बच्चे को दिखा के लिया करो ना आंटी, आंटी ने काफी अच्छी बात कही कि आंटी देखती नहीं है या आंटी का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आंटी ने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रखा है, तो जो किसी के साथ गलत करेगा वो घुमा के रखे उसके पास। आई गाइस मैं आ चुकी थी घर, बट उसके बाद मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, बिकॉज घर में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था यार सामान इधर उधर, तो फिर सब लोग घर में भी थे और प्रेरणा भी आई थी, फिर दोनों वोनों हम सब लोग मस्ती कर रहे थे, सब लगे हुए थे। तो फिर अभी रात को जब मैंने देखा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, और फिर मैंने देखा कि वही मैंने लास्ट क्लिप तो शूट ही नहीं करी, तो उसके बाद अब मुझे ध्यान आया, तो अब मैं लास्ट क्लिप बना रही हूँ 1 बजे। बाकी जस्ट अभी अभी खाना खाया, आलू मटर और रोटी। आप चावल नहीं खाते, मम्मी ने ऐसा कहा, इसलिए मैंने रोटी ही खाई है। और गाइस अब इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करूँगी, बट गाइस एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, मतलब आज जितने भी लोगों के साथ मैंने ये करा उन सब ने मुझे ये बोला कि मतलब अब ऐसा रोज का हो गया है, कोई भी आता है तो पकड़ा के चला जाता है, अब हम काम करते हैं तो इतना ध्यान नहीं रह पाता कि तो कोई भी दे के चला जाता है, कोई भी दे जाता है, तो यार मतलब गाइस प्लीज़ यार ऐसा मत करा करो किसी के साथ, वो लोग इतनी मुश्किल से बैठे, इतनी इतनी एज होती है, और वैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कितनी ओल्ड एज होम ओल्ड एज एज में भी कितने लोग होते हैं जो कितनी मेहनत करके काम करते हैं, और फिर कोई उनके साथ ऐसा करे तो यार बहुत गलत बात है ये। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी यार ऐसी हरकत मत करो यार, मतलब वो लोग इतने इनोसेंट हैं, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि मतलब कोई उन्हें नकली पैसे देगा या कोई उनके साथ ऐसे करेगा, वो लोग अपने मन में ऐसी थिंकिंग रखते ही नहीं है, तो फिर हम लोगों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस। सो अब आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाकी गाइस मेरा यही मैसेज था, और मैंने उन सब से भी आज बात करी जिन जिन के पास मैं गई, मैंने ब्लॉग शूट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ना, प्लीज़ जितने भी लोग ब्लॉग देखोगे सब लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये ब्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि यार ऐसा कोई भी किसी के साथ ना करे। सो बाय बाय गाइज, आप लोगों से मिलेंगे अच्छे से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आप लोग बने रहो मेरे चैनल पर और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। बाय गाइज, लव यू।